हो चुकी है, जिसको देखते हुए इंदौर के चिड़ियाघर में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है और दोनों समय दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। अगर बर्ड फ्लू का असर कम या खत्म नहीं होता है तो आने वाले दिनों में इंदौर के चिड़ियाघर बंद किए जा सकते हैं। इंदौर शहर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बर्ड फ्लू से मोर और चमगादड़ों की मौत होती जा रही है, जिसको लेकर इंदौर के चिड़ियाघर के जानवरों को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। वहीं इंदौर के चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि जब से बर्ड फ्लू का पता चला है, जब से इंदौर जू में तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें लगातार दोनों टाइम एंटीवायरल दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और बदल बदल कर एंटीवायरल दवाइयों को भी स्प्रे किया जा रहा है और पानी में भी ऐसे एंटीवायरल दवाइयां मिला जा रही हैं जिससे पक्षियों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े रहे। वहीं जू प्रभारी ने बताया कि इंदौर जू पूरी तरह से सुरक्षित है, लगातार जू के जानवरों को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। वहीं इंदौर जू को बंद करने को लेकर जू प्रभारी ने कहा कि जू को बंद करने की स्थिति अभी तक नहीं आई है और अगर बर्ड फ्लू का असर आने वाले दिनों में बढ़ता है तो जरूर जू को बंद किया जा सकता है। बर्ड फ्लू को लेकर जू में किस तरह की तैयारी की गई और आने वाले समय में किस तरह का सैनिटाइजर वगैरह किया जा रहा है? देखिए, जब से इसका बर्ड फ्लू का नोटिफिकेशन हुआ है तभी से हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। 29 को पता चला कि मूसाखड़ी क्षेत्र और बेली कॉलेज वाले एरिया में जब से बर्ड का जो पॉजिटिव सैंपल्स आए थे, उसके बाद से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। एक घंटे बाद ही दवाइयों का एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल दवाइयों का स्प्रे हम लोगों ने शुरू कर दिया था और दोनों टाइम हम लोगों ने एंटीवायरल दवाइयों का स्प्रे तो साथ में किया ही किया, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने एक प्रिकॉशन जरूर रखी कि जो भी गैमेक्सिन वगैरह और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो स्प्रे था वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था। इवन जहाँ पर व्यू पॉइंट रहता वहाँ पर भी स्प्रे शुरू कर दिया था। जो भी मेडिसिन हम लोग एंटीवायरल यूज़ कर रहे हैं उसमें अलग अलग बदल बदल के कर रहे हैं और पानी में भी कुछ ऐसी दवाइयों का हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम इनहांस रहे, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में, ताकि बर्ड्स में बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता बनी रहे। इसलिए हम लोग पानी में भी कुछ मेडिसिन का मिक्सिंग कर रहे हैं और इस तरह से जो प्रिकॉशंस हम लोगों ने इस पर प्रोटोकॉल ले रखा है उससे काफ़ी हमको राहत भी मिली है और फिलहाल जू के सारे बर्ड्स, सारे एनिमल्स हेल्दी है, स्वस्थ है और उन्हें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। किसी पक्षियों की डेथ हुई क्या सर यहाँ इंदौर? अब जू में तो नहीं हुई है, इवन हमारे इंदौर के आसपास सराउंडिंग में जरूर इसका थोड़ा प्रकोप फैला है। जू पूरी तरह से स्वस्थ सुरक्षित है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में क्या जू बंद किया जाएगा कुछ समय? नहीं, देखिए अभी इस तरह की स्थिति नहीं है और अभी हम लोग पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में हमने सारी चीज़ों को ले रखा है। अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो फिर इस पर प्रोटोकॉल जो भी एक्शन लेना होगा निश्चित रूप से हमारी हायर अथॉरिटी को नॉलेज मिले कि फिर काम करेंगे।